मैं आप लोग को दिखाता हूँ चने की खेती। यहाँ पर एकदम ऑर्गेनिक खेती करते हैं यादव जी, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर भुट्टे खेती की गई अब की बार, इसमें से सरसों मिक्स की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर सरसों का काफ़ी अच्छा पेड़ लगा हुआ है। आप देखेंगे काली सरसों है, आप देखे होंगे इसको राई कहते हैं, कई जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसको। आप देखेंगे चने की खेती, मैं आपको दिखाता हूँ चने की उत्पादकता कितनी अच्छी हुई है अब की बार। आप देखेंगे ये देखिए चना लगा, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, हालांकि इसमें अभी पक्के नहीं हुए क्योंकि अभी कम दिनों का हुआ है। आप देखेंगे चने की, ये देखिए चना लगा हुआ है। ये पेड़ तो छोटे हैं बट इनके अंदर जो उपजाऊ क्षमता है खेत की, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा उत्पादन होने की संभावना है इसमें। आप देखेंगे सरसों खेती लगी हुई, आप देखेंगे किसी पेड़ को आप देख लीजिए, ये देखिए लगा, आप देखेंगे ये देखिए ये लगे, आप देखेंगे पूरे खेत जितना भी लगा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे सरसों लगा हुआ, उधर अरहर लगा, इधर भी अरहर लगा हुआ है। यहाँ पर सब ऑर्गेनिक किया जा रहा है, यहाँ खाद यूज बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे सरसों पड़ा हुआ सूखा है। इसके बाद आइए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर भी छोटे बढ़ नहीं पाए। आप देखेंगे यहाँ पर भी छोटा है, इसको बाद में डाला, रुपाई की गई है क्योंकि यहाँ पर गाय भैंस चर जाती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इसको दोबारा लगाया गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये तोड़ा गया है, ये तोड़ दिया गया, इसलिए जो है यहाँ पर भी भुट्टा नहीं निकला हुआ है। वो जब निकलेगा तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर चने की फाली को देखिए, आप देखें पूरे चना यहाँ पर कम से कम एक एकड़ ज़मीन है जो आप देखेंगे पूरे चने से एकदम लिफ्ट है। इसके बाद इधर सरसों लगा हुआ, आइए आपको मैं सरसों दिखाता हूँ। पॉपुलर वीडियो मुझे रोक दिया, आपको मैं दिखाता हूँ ये सरसों। ये हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको लाही बोलते हैं। आप देखेंगे इसकी निफुल हो चुकी है, मतलब इसमें फूल एकदम खत्म हो चुका है। आप देखेंगे पूरा लगा हुआ कम से कम 2 बीघा ज़मीन में ये सरसों लगा हुआ, आपको दिखाएंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेड़ लगा हुआ। आप देखेंगे आज से विगत वर्षों में आपने देखा होगा किसी भी सरसों का एक अगर ये तोड़ के देखते तो उसमें मुश्किल से केवल 15 से 20 दाना निकलता। और आज के टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही, मौसमी परिघटनाएँ जो हो रही हैं, इससे यहाँ पर आप तोड़ के देखें इसमें मुश्किल से 12 से 13 दाना ही निकलते हैं। इसका कारण है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जिससे उत्पादकता कम पड़ रही है और खेतों की उपज कम पड़ रही है। आप इसको देखेंगे, इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहिए, जिससे हमें नए नए तरीके और नए नए सुझावों और नई नई ऑर्गेनिक फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड को हमें एकदम अवॉइड करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर, आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ की मिट्टी, आप देखना चाहेंगे मिट्टी देखिए काफ़ी अच्छी दिख रही है आपको, एकदम एकदम एलुवियल सॉइल दिख रही है। आप देखेंगे यहाँ पर, यही कारण है कि यहाँ पर जो गोबर खाद डाली जाती है और कई चीज़ें डाल दी जाती है, जैसे सब्जी हुई, अदर चीज़ जो वेस्ट हुई डालने से यहाँ पर मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। ओके चलिए धन्यवाद। खाद, ये कंपोस्ट खाद जो हमारे यहाँ पड़ती है, ये देखिए गोबर खाद हमारे खेतों में यही पड़ती है। आप देखेंगे इस खाद से जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी फार्मिंग होती है। आप देखेंगे ये देखिए खाद एकदम अच्छी प्योर खाद है, इसी को बोलते हैं गोबर की खाद। हमारे यहाँ ही इसको कई तरीके से मतलब प्रोसेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डालते हैं। हालांकि तरीका बहुत अलग अलग, हर जगह का तरीका अलग होता है। हम लोग इसको हर थोड़ा सा राख मिलाते हैं, कंडे की राख मिलाते हैं, कई चीज़ मिला के इसको डालते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूरे में लगा, ये बरसीन लगा हुआ गाय के लिए। आप देखेंगे यह सब यही खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पर पूरा।